अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ टेस्टी हेल्दी पोटैटो फिंगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ही मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो है, जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। थोड़ा सा लहसुन, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। चेडर चीज़ ग्रेट की हुई, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 कैप्सिकम बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, और साथ ही है मेरे पास 250 ग्राम चिकन कीमा है। तो इसके अलावा जो कोटिंग के अज्जा है मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं कीमे को अच्छे से पका लूंगी। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले सोया सॉस, चिली सॉस, वन टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, मिक्स कर लूंगी इसको अच्छे से। अब ये तैयार है। अब मैं इसको पैन में अच्छे से पका लूंगी। साथ ही मेरे पास मैश पोटैटोज हैं, तो उसमें मैं सिंपली सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। पैन अच्छे से गरम है, तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया। चॉप्ड लहसुन शामिल किया। लहसुन के ब्राउन होने का, लाइट ब्राउन होने का इंतजार करेंगे। गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गया, साथ ही हमें इसमें मिर्च शामिल कर देंगे।
साथ ही मैं साबुत जीरा शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी चौकी हुई सबज मिर्च, लिड लगा दूंगी और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लूंगी। कीमा को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब ये देखिए अच्छे से हमारा हाफ फ्राई कीमा तैयार हो गया है। अब जो हाफ बच है उसको भी दूसरी साइड से टर्न करके पका लेंगे अच्छे से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। साथ ही अब इसमें मैं ये शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी, ग्रीन कैप्सिकम, कवर कर देंगे और मज़ीद इसे 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। कीमा पक के अच्छे से तैयार हो गया। हमने इसमें 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और ठंडा कर लूंगी। कीमा को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया बनाकर। तो अब इसके बनाएंगे हम पोटैटो फिंगर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपली मेरे पास मैश्ड किए हुए पोटैटोज़ हैं, साथ ही में ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, बीट किया हुआ कलर अंडा जिसको मैंने हल्का सा फेंट लिया, मैदा, साथ ही मेरे पास चीज़ है। तो सिंपली इस तरह आलू वाले मिक्सचर को उठाकर हाथ पे फैलाना है। चीज़ इस तरह से इसको फोल्ड करना। अब ये तैयार है। इसी तरह एक एक करके मैं तमाम फिंगर्स तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने फिंगर्स को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया। तो सिंपली सबसे पहले मैं इसको मैदे में कोट करूँगी। फिर मैं अंडे में डिप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाकर इसको फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो चलिए मैं इसको अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाकर अच्छे से फ्राई करती हूँ। ऑयल प्री हीट है। सिंपली अंडा
अंडे में डिप किया अच्छे से। अब मैं ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। अच्छे से ब्रेड क्रम्ब कोट करके इसी तरह एक एक करके मैं तमाम फिंगर्स को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। हल्का से इसको लाइट ब्राउन करके फ्राई करके निकाल लूंगी। टर्न करूंगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पे यानी कि मीडियम फ्लेम पे इसे तैयार करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, फिर इनका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो माशाल्लाह जब ये तैयार है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह एक एक करके मैं तमाम फिंगर्स तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पोटैटो चीज़ी फिंगर्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेस्टी क्रंची पोटैटो चीज़ी फिंगर्स इज़ रेडी। ये देखें माशाल्लाह से, ये इतनी चीज़ी हैं, ये देखें।